मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं, हेमंत बाबू कान खोल कर सुन लो, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं कि सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड के अंदर। मित्रों, अटल जी ने झारखंड को बनाया था एक सपने के साथ कि झारखंड का विकास होगा, यहां के दलित, यहां के आदिवासी, यहां का पिछड़ा वर्ग जो सालों से अन्याय सहन करता था वो अन्याय का निवारण होगा। रघुवर जी की सरकार, अर्जुन मुंडा की सरकार ने शुरुआत तो अच्छी की, फिर से हेमंत बाबू आ गए। अरे भाई, कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो भ्रष्टाचार करता है तो हाथ से करता है, इन्होंने तो ट्रैक्टर और रेलवे के वेगन से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। जरा शर्म करो, शर्म करो। जो पैसा गरीब आदिवासियों के विकास के लिए है, जो पैसा हमारे पिछड़े वर्ग के गरीब भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, वो पैसा आज गबन कर दिल्ली के दरबार में पहुंचा रहे हो। हेमंत बाबू, जनता के 1000 आंख और 1000 कान होते हैं, जनता है जो सब जानती है। एक बार चुनाव के मैदान में आ जाओ, दो दो हाथ कर लो, झारखंड की जनता आपको हटाने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हेमंत बाबू सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मत बैंक की लालच में यहां की जनसंख्यिकी भी बदल रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, घुसपैठिए घुसाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल एरिया क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही है, घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हत्या रहे हैं, आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, और ये वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे हैं। हेमंत बाबू, ये जो आप कर रहे हो उसको पूरा झारखंड समझता है, झारखंड के पिछड़े वर्ग का हर 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 युवा समझता है, हर बच्ची समझती है, आदिवासी भी इसको समझते हैं। और साहिबगंज, पाकुड़ा, गोंडा, दुमका और जामताड़ा के अंदर आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। और अब आदिवासियों की संख्या 35% से घटकर 24% रहेगी, और इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग की संख्या में भी कमी आई है। और मित्रों, अब ये जो घुसपैठिए जमीन कब्जा रहे हैं, इसके सामने तो हेमंत बाबू बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी वोट बैंक और उनकी साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको रोक रही है। मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं होने देंगे, झारखंड के अंदर जनसंख्यिकी नहीं बदलने देंगे, ये झारखंड जिनका है उसी का रहेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। मित्रों, और यहां पर साइबर क्राइम का बड़ा हब बन गया, जामताड़ा और देवधर दोनों जगह पे साइबर क्राइम के बच्चों को गलत रास्ते पर चढ़ाकर बहुत बड़े अपराध हो रहे हैं। भारत सरकार ने साइबर क्राइम के लिए जितनी भी मदद देनी चाहिए, हेमंत बाबू के कान में ये गुहार पड़ती ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है भाई, मत करिए, चुनाव आने वाला है 2024 में, 14 की 14 सीटें, और बाद में विधानसभा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। हेमंत बाबू, मैं पूछना चाहता हूं, साहिबगंज में रीबिका पहाड़ियन बेटी की हत्या हो गई, आपने क्या किया? आप मुझे बताओ, संथाल परगना वालों, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है? जोर से बोलिए, है या नहीं है? दुमका में अंकिता को मार डाला गया, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है या नहीं है?
ये आदिवासी समाज की बेटियों की निर्मम हत्या हो रही है और आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। शर्म करो, शर्म करो। इसके लिए झारखंड नहीं बनाया था हमने, झारखंड बनाया था यहाँ पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी तबके को न्याय मिले, इनको विकास मिले, इसके लिए बनाया था। और आप विकास करने की जगह आदिवासी बेटियों की हत्या हो रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। अभी बाबूलाल जी ने ढेर सारी बातें बताई, एम्स बन गया, एयरपोर्ट बन गया, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन गए, ये नैनो का कारखाना लग गया, एक किसी ने बिजली का भी कारखाना लगाया है, एक लोहे का भी कारखाना लगाया। भाई आपने तनिक कुछ किया है तो बता दो। मैं तो पूरा लिस्ट बता दिया जो बाबूलाल जी ने बताया। हेमंत बाबू, संथाल परगना में आपने कुछ नहीं किया, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। संथाल परगना की जनता आज आपको जान चुकी है, बेटियों के हत्या का हिसाब मांगती है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।